नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। नए साल की पहली वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मारुति को मैच बॉक्स यानी कि टीम के डब्बे बनाने में महारत हासिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक मैच बॉक्स के बारे में जिसका नाम है मारुति एस्प्रेसो। जिस दिन से ये गाड़ी लॉन्च हुई है उस दिन से धड़ल्ले से बिक रही है और हर महीने इस गाड़ी की ऑन एन एवरेज 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक जाती हैं। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने का मन बना रहे हैं, क्या आपको गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, इस गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्या ये गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्या ये गाड़ी सुरक्षित है, इस गाड़ी के अगेंस्ट में मार्केट में हमें जो कंपटीशन मिलता है वो सारी गाड़ियाँ आपको क्या ऑफ़र कर रही हैं, अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस गाड़ी के साथ में क्या मिलेगा। यहाँ पर मैं जो भी प्राइसेस कोट करूँगा वो सारी की सारी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई है। आपको एग्जैक्ट प्राइस के लिए अपने शहर में अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। एस्प्रेसो का बेसिक मॉडल स्टैंडर्ड शुरू होता है 3,69,000 से और टॉप एंड जो कि VXI प्लस है जाएगा 4,48,000 एक शोरूम कॉस्ट मुंबई। इस गाड़ी में आपको मारुति का K10 सीरीज का ट्राइड एंड टेस्टेड पेट्रोल इंजन मिलेगा 3 सिलेंडर जो कि BS6 रेडी इंजन है। बेस मॉडल में फीचर्स के तौर पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि जिस अप मार्केट और मॉडर्न एज में हम जी रहे हैं वहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और AC जैसी बेसिक सुविधाएँ भी इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी। सेफ्टी के तौर पर आपको इस गाड़ी में ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS और EBD मिलेंगी, लेकिन ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मारुति को अपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी की बहुत सारी चिंता पड़ी है। कानूनी तौर पर अगर कंपलसरी नहीं होता तो ये फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जाहिर सी बात है अगर ठीक ठाक फीचर्स के साथ में आपको मारुति एस्प्रेसो को ख़रीदना है तो टॉप एंड वेरिएंट जो कि VXI प्लस है उसे ख़रीदने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि टॉप एंड वेरिएंट में मारुति आपको क्या ऑफर करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन एंड एवरेज इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा एंड डिस्टेंस टू MT मिलेगा। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें इस गाड़ी की कि थोड़ा बहुत आपको विटारा ब्रेजा जैसा या महिंद्रा की स्कॉर्पियो जैसा SUV इंस्पायर्ड बोल्ड फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ व्हील कवर्स मिलेंगे। हालांकि कॉम्पिटिशन में भी कई सारी गाड़ियाँ आपको टॉप एंड में अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करती। इस गाड़ी में आपको ड्यूल टोन बम्पर मिलेगा यानी कि अपर बम्पर आपको बॉडी कलर मिलेगा और लोअर बम्पर आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। अल्टो जो कि इससे एक लेवल एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है उसमें भी आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिलते हैं, लेकिन टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको बॉडी कलर बम्पर्स नहीं मिलते। उसी के साथ आपको इस गाड़ी में बॉडी कलर साइड मिरर्स मिलेंगे। इंटीरियर की जहाँ तक बात है दोस्तों, इस गाड़ी में इंटीरियर में स्टैंड आउट करने वाला या वाव फैक्टर जैसा कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आप ऑरेंज कलर की गाड़ी ले रहे हैं तो डैशबोर्ड पर आपको ऑरेंज कलर की एक सर्कल में बनी हुई गार्निश मिल जाएगी। ऑरेंज कलर के अलावा अगर आप कोई और कलर चूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिल्वर कलर की गार्निश मिल जाएगी। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी सनवाइजर के पीछे एक टिकट होल्डर जैसा बेसिक फीचर भी आपको इस गाड़ी में मारुति ऑफर नहीं करती। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम 2020 में जी रहे हैं। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को 10-15 साल पहले लॉन्च होना चाहिए था, ना कि उस दौर में जहां पर लोग अप मार्केट, मॉडर्न एज फीचर्स और सेफ्टी के साथ में फुली लोडेड गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग, AC और आगे के दो पावर विंडो के अलावा
नोट करने जैसा कोई भी इम्पोर्टेंट फीचर नहीं मिलता। जहां तक इंफोटेनमेंट का सवाल है, इस गाड़ी में आपको मिलेगा 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम विथ 2 स्पीकर्स एंड उसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। इस प्राइस ब्रैकेट की कार में ये सारी चीज़ें देना, ये डेफिनेटली काबिले तारीफ है और इसके लिए मारुति को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए। सेफ्टी के तौर पर टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS और EBD के अलावा कोई भी अलग से इम्पॉर्टेंट फीचर्स नहीं मिलता। यहाँ तक कि सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर जैसी बेसिक चीज़ जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड फिटमेंट होनी चाहिए थी, वो भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि टॉप एंड मॉडल लेने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको क्या नहीं मिलता। टॉप एंड मॉडल खरीदने के बावजूद भी बेसिक सी चीज़ यानी कि वैनिटी मिरर और सनवाइजर में टिकट होल्डर जैसी बेसिक चीज़ें आपको मारुति ऑफर नहीं करता। मारुति ने रियर पैसेंजर्स को लेफ्ट अलोन यानी कि अपने हाल पर छोड़ दिया है। उनके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का कोई भी ख्याल मारुति ने यहाँ पर नहीं रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी में कोई भी रियर AC वेंट्स नहीं मिलते, पीछे के डोर्स में कोई भी बॉटल होल्डर्स नहीं मिलता, गाड़ी में रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलता जो कि कंपटीशन ऑफर करता है, ना ही गाड़ी में कोई चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इन सारी चीज़ों के लिए रियर पैसेंजर को आगे के पैसेंजर पर कंप्लीटली डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। रियर पैसेंजर्स को स्टोरेज स्पेस के लिए भी एक कबी होल के अलावा पीछे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही बॉटल होल्डर्स हैं, ना ही चार्जिंग पॉइंट है, ना ही स्टोरेज स्पेस है। बेसिक से बेसिक चीज़ जैसे कि आगे के जो फ्रंट सीट्स हैं उनके पीछे कोई पॉकेट भी नहीं दी हुई है, इन बेसिक चीज़ों का भी ख्याल मारुति ने यहाँ पर नहीं रखा है। टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी आपको गाड़ी में सिर्फ आगे के ही 2 पावर विंडोज़ मिलते हैं, पीछे के दोनों विंडोज़ आपको मैन्युअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। गाड़ी में आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर जैसे बेसिक फीचर्स भी मारुति ने यहाँ पर नहीं दिए हैं। ऑल्टो जो कि एस्प्रेसो से एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है, उसमें भी आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिल जाते हैं, लेकिन एस्प्रेसो के टॉप मॉडल में आपको लोअर बम्पर ब्लैक कलर में ही मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट लेने के बावजूद भी एस्प्रेसो में आपको फॉग लैंप जैसा फीचर नहीं मिलता, और अगर आप उसे अलग से लगवाना चाहते हैं तो वो लगवाने के लिए भी कोई प्रोविजन यहाँ पर मारुति ने नहीं दिया है। एस्प्रेसो के ग्लव बॉक्स के प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी घटिया है कि जो कि एक खिलौने के प्लास्टिक जैसा लगता है, और उसमें अगर आप कहीं गलती से ज़्यादा भारी सामान डाल दें तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी दिन वो टूट जाएगा। एस्प्रेसो के रियर सीट में आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ना ही इस गाड़ी में आपको टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर टॉप एंड में बेसिक चीज़ें जो मैंने अब तक आपको बताई हैं वो नहीं मिलती, तो इस गाड़ी को ख़रीदना बेहद ही घाटे का या नुकसान भरा सौदा हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कि प्राइस कम रखने के बहाने से मारुति किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को लूट रही है, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। टॉप एंड मॉडल लेने के बावजूद भी कई सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिसिंग मिलेंगी। हालांकि एज एडिशनल एक्सेसरी आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये अलग से अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। आमतौर पर सभी कंपनियां अपने टॉप एंड वेरिएंट में वो सारी चीज़ें एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर देती हैं, लेकिन यहां पर उन सभी के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जानने की कोशिश करते हैं क्या है वो सारे फीचर्स या फिर एक्सेसरीज जो आपको अपनी जेब से एडिशनल पैसे खर्च करके लेने पड़ेंगे। एस्प्रेसो के फ्रंट ग्रिल पर आपको जो क्रोम की गार्निश दिखाई दे रही है, वो गार्निश एज एडिशनल एक्सेसरी है, वो स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं है, जिसके लिए आपको तकरीबन 1500 रुपये अपनी जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं। एस्प्रेसो में आपको DRLs लगवाने के लिए अलग से एक प्रोविज़न तो दिया गया है, लेकिन DRLs लगाने के लिए आपको अपनी जेब से 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि कॉम्पिटिशन DRLs को अपनी टॉप एंड वेरियंट में एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर दे रही है। एस्प्रेसो के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ व्हील कवर्स मिलेंगे, और अगर आप इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगवाना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से 23,000 रुपीस अलग से ढीले करने पड़ेंगे। एस्प्रेसो में आपको रियर स्पॉइलर नहीं आता है एज ए एक्सेसरी, अगर आप उसे अलग से लगवाना चाहते हैं तो रियर स्पॉइलर और एक ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट उसमें मिलती है, दोनों के लिए आपको कुल मिलाकर 5,600 रुपीस अपनी जेब से अलग से लुटाने पड़ेंगे। एस्प्रेसो के टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको उसमें लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा जो कि कंपटीशन ऑफर करता है, और इसके लिए आपको अलग से
₹600 अलग से खर्च करने पड़ेंगे। कंपटीशन आपको व्हील आर्चेस पर ब्लैक कलर की क्लैडिंग एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी आपको एस्प्रेसो में अलग से ₹4,300 खर्च करने पड़ेंगे। एस्प्रेसो में डोर्स को स्क्रैच से बचाने के लिए डोर की क्लैडिंग भी आपको खरीदनी होगी। टॉप एंड वेरिएंट में वो एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट आपको नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको अपनी जेब से ₹4,000 अलग से खर्च करने होंगे। फ्लोर मैट के ₹1,200 और बूट मैट के ₹1,400 मिलाकर टोटल ₹2,600 यहाँ पर भी आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं मिलते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उन सभी के लिए आपको अलग से अपनी जेब पर थोड़ा सा बोझ डालना होगा। टॉप एंड मॉडल होने के बावजूद भी इसमें वो सारी चीज़ें एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं मिलती हैं जो कि कंपटीशन ऑफर करता है और आमतौर पर सारी कंपनियां इन्हें ऑफर करती हैं। टॉप मॉडल लेने के बावजूद भी अगर आपको अपनी जेब से अलग से 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े तो ये कहाँ का टॉप मॉडल हुआ? क्या ये कंज्यूमर की लूट नहीं हुई, उन्हें बेवकूफ़ बनाना नहीं हुआ? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉल बॉय डिज़ाइन होने की वजह से इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारा बॉडी रोल मिलेगा, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर इसे शार्प टर्न्स पर मोड़ना आपके लिए बेहद रिस्की हो सकता है। आप सभी को मालूम ही होगा कि एनकैप क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट को सिर्फ 2-स्टार रेटिंग मिली थी और स्विफ्ट इससे कहीं बेहतर गाड़ी है, इसमें किसी को भी कोई दो राय होने की आशंका नहीं है। अगर स्विफ्ट को 2-स्टार रेटिंग मिल सकती है तो एस्प्रेसो की बिल्ड क्वालिटी की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। प्राइस के मामले में एस्प्रेसो की प्राइसिंग ऑलमोस्ट कंपटीशन की प्राइस के आसपास पहुंच रही है, उसके बावजूद भी कई सारे फीचर्स, कई सारी एक्सेसरीज आपको एज अ एडिशनल खरीदनी पड़ रही है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। और टॉप एंड मॉडल में आपको बस एक पिद्दी सा मैच बॉक्स मारुति पकड़ा रही है। क्या ये कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना नहीं है? एस्प्रेसो की प्लास्टिक क्वालिटी इतनी घटिया है कि मुझे ह्युंडई की ईऑन की प्लास्टिक क्वालिटी इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर लगी है। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की, कि कंपटीशन हमें क्या ऑफ़र करता है, और हम शुरुआत करेंगे मारुति के ही 3 प्रोडक्ट से। सबसे पहले बात करेंगे मारुति इग्निस की। मारुति इग्निस का बेस मॉडल आपको मिलेगा ₹4,80,000 एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई। जानते हैं कि इग्निस का बेस मॉडल आपको क्या ऑफर करता है। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का ट्राइड एंड टेस्टेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, एसी एंड हीटर, फ्रंट के 2 पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, टिल्ट स्टीयरिंग, ड्यूअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, और इसके अलावा 1.2 लीटर इंजन होने की वजह से आपको बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी मिलेगी, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर पावर आउटपुट मिलेगा, बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, जो कि किसी भी मायने में आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार, जो कि मारुति की है, वैगन आर। वैगन आर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 1 लीटर और 1.2 लीटर, दोनों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वैगन आर का बेस मॉडल आपको 1 लीटर 4,47,000 में मिलेगा और 1.2 लीटर आपको 5,15,000 में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि वैगन आर के बेस मॉडल में आपको क्या मिलता है। 1 लीटर में आपको सेम इंजन मिलेगा, उसके अलावा आपको एसी विथ हीटर, फ्रंट के 2 पावर विंडोज यहां पर आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड एयरबैग मिलेगा, ABS प्लस EBD मिल जाएगा, बॉडी कलर बम्पर्स मिलेंगे, गाड़ी में आपको बेटर स्पेस मिलेगा, गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा और बड़ा बूट मिलेगा, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी। 1.2 लीटर वैगन आर में आपको 4-सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, बॉडी कलर बम्पर्स मिलेंगे, फुल व्हील कैप मिलेंगे, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs मिलेंगे, बॉडी कलर ORVMs मिलेंगे। सेकेंड रो में आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, डे नाइट IRVMs मिलेंगे, टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी, फ्रंट पैसेंजर वैनिटी मिरर मिलेगा, ऑल 4 पावर विंडोज मिलेंगे, एसी एंड हीटर मिलेगा, रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर एयरबैग प्लस ABD और ABD मिल जाएगा, ड्राइवर एयरबैग प्लस ABS प्लस ABD मिल जाएगा। इसके अलावा
ये गाड़ी एस्प्रेसो से कई गुना ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगी, मोर स्पेस आपको ऑफर करेगी, ज़्यादा पावर आउटपुट आपको मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी, बेटर फिट एंड फिनिशमेंट और ऑन रोड स्टेबिलिटी भी एस्प्रेसो से बेहतर मिलेगी। मारुति का तीसरा प्रोडक्ट है स्विफ्ट, सो लेट्स गो अहेड एंड चेक व्हाट द स्विफ्ट हैज़ टू ऑफर ऑन इट्स प्लैटर। स्विफ्ट का बेस मॉडल आपको स्टार्ट होता है 5,14,000 रुपीज़ से एक शोरूम कॉस्ट मुंबई, जिसमें आपको 1.2 लीटर ट्राइड एंड टेस्टेड फोर सिलेंडर VS6 रेडी पेट्रोल इंजन मिलेगा। स्विफ्ट में आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगी, टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी, AC एंड हीटर आपको मिल जाएगा, ड्यूअल एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलेंगे, ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिलेंगे, बॉडी कलर बम्पर्स मिलेंगे। और इन सभी के अलावा आप सभी जानते हैं कि स्विफ्ट मारुति का हॉट सेलिंग केक है, जो एस्प्रेसो के मुकाबले कई गुना बेहतर है। ये अलग बात है कि इसे भी एनकैप टेस्ट में 2 स्टार की रेटिंग ही मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली एस्प्रेसो से ज़्यादा बेहतर है और उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। स्विफ्ट में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी मिलेगी, बेटर पावर आउटपुट मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी और बेटर फिट एंड फिनिश स्विफ्ट आपको ऑफर करती है। अब हम बाकी के कंपटीशन की बात कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले पायदान पर आती है रेनो की क्विड। रेनो क्विड क्लाइंबर का 1 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शनल वेरियंट आपको मिलेगा, 4,62,000 रुपीज़ में आएगा, जो कि एस्प्रेसो से तकरीबन 14,000 रुपये महंगा है, लेकिन ये आपको कई ज़्यादा बेहतर चीज़ें ऑफर करता है। इसमें आपको मिलेगा पावर स्टीयरिंग, एसी एंड हीटर, ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD, ऑल 4 पावर विंडोज़, रियर सीट आर्मरेस्ट, डिजिटल टैकोमीटर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड लेदर रैप गियर शिफ्ट नॉब, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, गाड़ी में आपको DRLs भी मिलेंगे, रियर पावर 12V आउटलेट मिलेगा, कॉम्बिनेशन LED टेल लैंप मिलेंगे, 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा और मारुति एस्प्रेसो से कई गुना बेहतर 2 ईयर्स 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी ये आपको ऑफर करता है। गाड़ी में आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी आएगी, एस्प्रेसो से बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी और बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी मिलेगी। रेनो के पास में एक और प्रोडक्ट है जिसे आप एस्प्रेसो के अगेंस्ट में ले सकते हैं, वो है रेनो ट्राइबर, जिसका बेस मॉडल आपको आता है 4,95,000 रुपीज़ से। जानते हैं कि ट्राइबर आपको क्या ऑफर करती है। ट्राइबर में सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन फीचर है कि ये गाड़ी आपको 7 सीटर में अवेलेबल है, 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है विद 72 PS पावर एंड 96 Nm का टॉर्क। ट्राइबर कम्स विद अ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, बॉडी कलर बम्पर्स, व्हील आर्च क्लैडिंग, LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, AC एंड हीटर, सेकेंड रो 60-40 स्प्लिट, रिक्लाइन स्लाइड जैसे ऑप्शन आपको सेकेंड रो सीट में मिल जाते हैं, ड्यूअल एयरबैग्स आपको मिलेंगे, ABS प्लस EBD मिलेगा, टैकोमीटर आपको मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर मिलेगा और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट इसमें मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हीकल, जो कि है टाटा की टियागो। टियागो का बेस मॉडल आपको मिलेगा 4,65,000 से एक शोरूम कॉस्ट मुंबई, जो एस्प्रेसो से तकरीबन 17,000 रुपीज़ महंगा है, लेकिन एक नज़र डालते हैं इस पर भी कि ये अपने कंज्यूमर्स को क्या ऑफर करता है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन कम्स विद अ बॉडी कलर बम्पर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, क्रोम स्ट्रिप ऑन अ फ्रंट ग्रिल, व्हील कवर्स आपको मिलते हैं, टैबलेट स्टोरेज स्पेस एंड ग्लव बॉक्स, ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD एंड कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स आपको यहां पर मिलते हैं, AC एंड हीटर आपको मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगी, टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी और इसके अलावा बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर फिट एंड फिनिश एंड बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी यहाँ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अगली गाड़ी है Hyundai की सेंट्रो, जो कि आपको 1.1 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी, जिसके बेस मॉडल की कॉस्ट है 4,30,000 रुपीज़, 4 सिलेंडर इंजन, ये आपको आएगी ड्राइवर साइड एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, प्रीमियम ड्यूअल टोन इंटीरियर, टैकोमीटर, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, AC एंड हीटर, रियर AC वेंट्स। इसके अलावा सेंट्रो की बिल्ड क्वालिटी भी एस्प्रेसो से कई गुना बेहतर है, पावर आउटपुट बेहतर मिलेगा, ऑन रोड स्टेबिलिटी बेहतर मिलेगी, सेंट्रो का परफॉर्मेंस बेहतर है, सेंट्रो की राइड एंड हैंडलिंग
प्लस फिट एंड फिनिश एस्प्रेसो से कई गुना बेहतर है। अब बात कर लेते हैं आखिरी गाड़ी की, जो कि है ह्यूंडई की तरफ से ग्रैंड आई10 नियोस, जिसकी प्राइसिंग है 5 लाख रुपए बेस मॉडल के लिए 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल मैनुअल इंजन, जो कि आपको ऑफर करेगी ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD, बॉडी कलर बम्पर, पावर स्टीयरिंग, AC एंड हीटर, फ्रंट पावर विंडोज, ड्यूअल टोन इंटीरियर्स। उसी के साथ में आपको बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर पावर आउटपुट, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी एंड बेटर फिट एंड फिनिश मिलेगी। कॉम्पिटिशन इतनी कई सारी चीज़ें बेहतरीन आपको ऑफर करता है, तो सेम प्राइस में जहाँ पर एस्प्रेसो के लिए आपको अलग से 50 और 60 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वहाँ पर मुझे लगता है कि इन गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी चुनना आपके लिए ज़्यादा बेहतर और फ़ायदे का सौदा है। मेरी मानिएगा, और अगर वर्डिक्ट की अगर आप बात करें तो मैं अपने लिए या तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट को चुनूंगा या फिर मैं रेनो की ट्राइबर लेना पसंद करूंगा, लेकिन एस्प्रेसो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। डिज़ाइन और कई सारी चीज़ें यहाँ पर सब्जेक्टिव हो सकती है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ से। ये मेरी जो भी इस वीडियो में मैंने चीज़ें आपको बताई है वो मेरी निजी राय है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से जो भी चाहे गाड़ी चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।